नमस्कार, खबर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं दीपक। पेश है रात 9 बजे तक की बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले खबरें महानगर से। पार्टी के अंदर अंतरकलह बर्दाश्त नहीं, नदिया में बोली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सांसद महुआ मोहत्या का नाम लेकर पार्टी के अंतरकलह पर उन्हें सतर्क किया। सीएम ने कहा कि नगर पालिका का चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में पार्टी किसे उम्मीदवार बनाएगी यह पार्टी तय करेगी। नेताओं को उम्मीदवारों के साथ मिलकर काम करना होगा। सोशल मीडिया और अखबार में बयान देने वाली राजनीति ज़्यादा दिन नहीं चलती है। सीएम ने कहा कि पार्टी से अलग मत रखना किसी भी नेता के लिए ठीक नहीं है। और महुआ एखे हमें एक स्पष्ट मेसेज दीते चाहिए के कार पक्षे विपक्षे देखार हमारे दरकार नहीं। सजिए गुजिए किसी लोक पाठिए यूट्यूबे अथवा डिजिटाले अथवा पेपर के दिए दिलाम। এই রাজনীতি একদিন চলতে পারে, চিরদিন নয়। আর একই লোক চিরদিন এক জায়গায় থাকবে এটাও ঠিক, মেনে নেওয়াটাও ঠিক নয়। আর যখন ইলেকশন হবে পার্টি উইল ডিসাইড কে কন্টেস্ট করবে না করবে। সুতরাং এখানে কোনো রকম ডিফারেন্স অফ ওপিনিয়ন রাখা উচিত নয়, সবাই মিলে একসাথে কাজ করতে হবে, এটা আমি বলে গেলাম। কারণ আমার কিন্তু নলেজে আছে। কয়লা তস্করি মামলে মে সিবিআই নে তৃণমূল নেতা বিনয় মিশ্রাকে ভাই বিকাশ মিশ্রাকে কিয়া গ্রেপ্তার। সিবিআই নে উসে এক প্রাইভেট হাসপাতাল সে পকড়া হ্যায়। ইসসে পহলে ইডি নে दिल्ली से विकास मिश्रा को गिरफ्तार किया था। वहीं मामले में फरार विनय मिश्रा को लेकर सीबीआई ने लुकआउट नोटिस जारी कर रखा है। जांच के दौरान सीबीआई अधिकारियों को पता चला कि मामले की जांच शुरू होने से पहले ही विनय मिश्रा देश छोड़कर भाग चुका है। उसने बनवाटा देश की नागरिकता ले ली है। शॉर्ट लेक के करुणामय आवासन में विधाननगर महिला पुलिस स्टेशन और साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के नए भवन का उद्घाटन गुरुवार को किया गया। विधाननगर के पुलिस कमिश्नर सुप्रतिम सरकार ने इस नए भवन का उद्घाटन किया। इससे पहले दोनों थाना अलग अलग पैसा से चलाए जाते थे। बहला के वार्ड नंबर 131 में तृणमूल उम्मीदवार रत्ना चटर्जी के होर्डिंग फाड़ दिए गए। होर्डिंग फाड़ने का आरोप वाम समर्थकों पर लगा है। घटना को लेकर तृणमूल उम्मीदवार की तरफ से थाने में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं वाम समर्थकों ने तृणमूल उम्मीदवार के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा कि तृणमूल के अंतर्द्वंद के कारण उनके होर्डिंग फाड़े जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। एक नज़र जिलों की खबरों की ओर। होटल में पति के साथ पकड़ी गई युवती की एक महिला ने दिन दहाड़े जमकर पिटाई कर दी। घटना आसनसोल के पुलिस लाइन इलाके में स्थित एक होटल की है। जानकारी के अनुसार महिला को सूचना मिली थी कि उसका पति एक युवती के साथ होटल में मौजूद है। सूचना मिलते ही महिला जब होटल के कमरे में पहुंची तो अपने पति को उक्त लड़की के साथ देख हंगामा करने लगी। कमरे से बाहर निकलने पर महिला ने युवती पर लाठ और घूंसे की बारिश कर दी। बाद में महिला अपने पति और उसकी प्रेमिका को लेकर थाने गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जलपाईगुड़ी जिले के माल बाजार स्थित मैरिज हॉल में काला भालू मिलने से स्थानीय लोग आतंकित हो गए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बीते कुछ दिनों में जंगली जानवर शहर में प्रवेश कर रहे हैं। इसके चलते आम लोगों के जीवन पर जान माल पर बन आ रहा है। फिलहाल घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे वन विभाग के अधिकारियों ने भालू को उद्धार कर उसे अपने साथ ले गए। तृणमूल की राज्य सचिव सायंतिका बनर्जी के काफिले में गुरुवार की सुबह एक अनियंत्रित ट्रक ने टक्कर मार दिया। हादसे में महिला तृणमूल नेता को हल्की चोट आई। घटना काक्सा थाना अंतर्गत राजबंद इलाके की है। जानकारी के अनुसार सायंतिका अपनी कार में बांकुरा से कोलकाता जा रही थी, तभी उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। आइए रुक करते हैं देश विदेश की खबरों पर। 378 दिन बाद किसान आंदोलन खत्म। दिल्ली बॉर्डर से टेंट उखड़ने लगे। 11 दिसंबर को फतेह मार्च, 15 को पंजाब के सब मोर्चे खत्म। कुछ खबरें इंटरटेनमेंट की दुनिया से। जयपुर में बॉलीवुड अभिनेता विक्की कौशल और कैटरीना कैफ ने की शादी। अक्षय कुमार, सारा अली खान सहित कई अभिनेता हुए शादी में शामिल। आज गुरुवार का दिन श्री हरि विष्णु की पूजा के लिए होता है। इस दिन लोग गुरुवार का व्रत रखते हैं और केले के पौधे की पूजा करते हैं। आज के व्रत में केले का सेवन नहीं किया जाता है। आज पीला वस्त्र पहनना अच्छा माना जाता है। आज देव गुरु बृहस्पति को भी प्रसन्न करके कुंडली के गुरु
दोष को दूर कर सकते हैं। आज गुरुवार के दिन आप भगवान विष्णु के प्रभावी मंत्रों का जाप करके अपने कार्यों में सफलता, संतान और सुखी जीवन का आशीष प्राप्त कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। सभी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए खबर एक्सप्रेस रात 11 बजे। नमस्कार।